यार भाई, भवंकित हीरो ने तो तहलका मचा रखा है मार्केट में। ये लोग गेम समझ चुके हैं भाई। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। आज अपन 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स के बारे में जानने वाले हैं अगस्त महीने की। वीडियो में भरपूर मजा आने वाला है, प्लीज एंड तक देखना। 10th नंबर पे आई है भाई क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड की। अगस्त के महीने में इसकी 26,118 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। जुलाई की बात करते हो तो 24,889 यूनिट बिकी थी। लगभग 1,229 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। देखो भाई, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करा है, क्लासिक 350 का मतलब कितना भी गंदा मार्केट रहे, कितना भी बढ़िया मार्केट रहे, ये गाड़ी इसी के राउंड बिकती है भाई। 26,000, 27,000, 30,000, उससे ज़्यादा मैंने आज तक इसका सेल्स देखा ही नहीं है। अभी आज के डेट में क्लासिक 350 224,371 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। पावर अगर की बात करते हो तो 20.2 BHP का पावर, टॉर्क 27 Nm का मिलता है, 35 KMPL का माइलेज मिल जाता है, 195 kg का कर्वड मिल जाता है, 13 लीटर का अपने को फ्यूल टैंक मिलता है, इसके अलावा 114 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बात करें अगली गाड़ी की तो 9th नंबर पे आई है भाई ग्लैमर। कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, पिछले महीने का ही अब सेल्स देखना, मतलब 10,000 भी बड़ा मुश्किल से ग्लैमर बिका करती थी, लेकिन जब से इन्होंने ये पुराना वाला मॉडल लॉन्च कराया ना भाई, एकदम से तहलका मच गया यार। अगस्त के महीने में देखो ना 31,388 यूनिट बिकी है, मजाक चल रहा है। पिछले महीने जुलाई के महीने में 10,937 यूनिट बिके थी, 20,451 गाड़ियों का इम्प्रूवमेंट। बाप रे बाप, 20,451 गाड़ियों का इम्प्रूवमेंट, कुछ होता है भाई। हीरो वाले गेम समझ चुके हैं कि हमारी नई मॉडल है उसको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पुरानी मॉडल को ही पसंद करते हैं। खैर, यहाँ पे नई ग्लैमर के बारे में जान लेते हैं तो 95,254 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। पावर वगैरह बिल्कुल ही सेमी ग्लैमर जैसा ही मिलता है, मतलब अदर ग्लैमर जैसा। 10.7 BHP का पावर, 10.6 Nm का टॉर्क, 55 KMPL का माइलेज, बाकी 122 से 123 kg का कर्व वेट, 3 कलर ऑप्शन, 95 KMPH का टॉप स्पीड। 8th नंबर पे है भाई होंडा की लेजेंड बाइक यूनिकॉर्न। अगस्त के महीने में 31,473 यूनिट बिके पूरे भारत भर में। जुलाई की बात करते हो तो 40,119 यूनिट बिकी थी। लगभग 8,646 गाड़ियां कम बिकी है होंडा यूनिकॉर्न है। भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ यार इतना सेल्स में गिरावट यूनिकॉर्न का। लगता है SP160 आने से इसके सेल्स में गिरावट हो चुका है। प्राइस वगैरह की बात करती हो तो ये गाड़ी 1,31,685 रुपए से मिलना शुरू हो जाता है। पावर वगैरह की बात करते हो तो 12.73 BHP का पावर, 14 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 50 KMPL का माइलेज मिल जाता है, 140 kg का कर्वड मिल जाता है, 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 106 KMPH का अपने को टॉप स्पीड मिल जाता है। हमेशा की तरह 7th नंबर पे आई है भाई पैशन सीरीज। पिछले महीने भी 7th पे ही आई थी, इस महीने भी 7th पे ही आई है। यहाँ पे मैं आपको पैशन प्रो का सेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, यहाँ पे पैशन प्लस और पैशन एक्स्ट्रा के बारे में जानेंगे। 38,043 यूनिट बिकी पूरे भारत भर में। जुलाई की बात करते हो तो 34,253 यूनिट बिकी थी। 3790 गाड़ियां ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आज पैशन प्लस के बारे में नहीं जानते, पैशन एक्स्ट्रा के बारे में जानते हैं भाई। पिछली वाली वीडियो में तो पैशन प्लस के बारे में जाना ही था। 94,815 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है पैशन एक्स्ट्रा के। 9 BHP का पावर, 9.79 Nm का टॉर्क, 56 KMPL का माइलेज, 117 kg का कर्व वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 90 KMPH का अपने को टॉप स्पीड मिल जाता है। मैं पता है एक चीज सोच रहा हूँ कि पैशन एक्सटेक और स्प्लेंडर एक्सटेक को क्यों ना कंपेयर करा जाए, देखेंगे भाई कितना डिफरेंट है प्राइस वगैरह में, पावर वगैरह में कितना डिफरेंट होता है। अगर आपको चाहिए तो बताना मेरे कमेंट सेक्शन में। 6th नंबर पे है भाई प्लेटिना सीरीज। यहाँ पे प्लेटिना 110 भी आती है, प्लेटिना 100 भी आती है। अगस्त के महीने में मात्र 40,693 यूनिट बिके पूरे भारत भर में। जुलाई की बात करती हो तो 33,557 यूनिट बिके थी। 7,136 गाड़ियां प्लेटिना की ज्यादा बिकी है, जो कि ठीक है, लेकिन एक जमाने में 60-70 हज़ार बिक जाया करती थी, लेकिन आजकल देखो भाई 40,000-50,000 का भी आंकड़ा पार करने में बड़ा इसको मुश्किल हो रहा है। अभी प्लेटिना 100 के बारे में जान लेते हैं तो 80,636 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। 7.29 BHP का पावर मिलता है, 8.34 Nm का टॉर्क मिलता है, 24 KMPL का माइलेज मिल जाता है, 117 kg का कर्वड मिल जाता है, 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 90 KMPH का अपने को टॉप स्पीड मिल जाता है प्लेटिना 100 में। खैर, 5th नंबर पे है भाई TVS की रेडर। ये गजब बिक रही है यार, 42,375 यूनिट बिकी है इसकी। जुलाई के महीने में 36,900 यूनिट बिकी थी। अगर कंपेयर करा जाए तो 5,475 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने रेडर की। मेरे को लग रहा है भाई ये गाड़ी अब 1,00,000 का आंकड़ा टच करके ही मानेगी। प्राइस वगैरह की बात करते हो तो 1,11,443 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है गाड़ी। 11.2 BHP का पावर, 11.2 Nm का टॉर्क, 57 KMPL का माइलेज, बाकी 123 kg का कर्व वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी
99 kmph तक का टॉप स्पीड मिलता है। हालांकि रेडर को भगाने वाले 125 तक भी भगा देते हैं भाई। फोर्थ नंबर पे है HF डिलक्स। अगस्त के महीने में 73,006 यूनिट बिकी है HF डिलक्स की। जुलाई के महीने में 65,931 यूनिट बिकी थी। अगर कंपेयर करा जाए तो 7,075 गाड़ी है ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने HF डिलक्स का। इस गाड़ी का सेल्स 1,00,000 के अबव देखने को अब तरस गया हूँ भाई मैं। पता नहीं कब बिकेगी 1,00,000 के अबव। अभी HF डिलक्स 81,915 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। टॉप मॉडल 7.91 bhp का पावर मिलता है, 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है, 65 kmph का माइलेज मिल जाता है, बाकी 110 kg का कर्वड मिल जाता है, 9 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 85 kmph का अपने को टॉप स्पीड मिल जाता है इसमें। HF डिलक्स और स्प्लेंडर प्लस को मैंने कंपेयर करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी देख लेना ये वीडियो देखने के बाद। थर्ड नंबर पे है भाई पल्सर सीरीज। हमेशा की तरह अगस्त के महीने में 90,685 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में पल्सर सीरीज की। यहाँ पे मैं आपको जो सेल्स बता रहा हूँ पूरे पल्सर का है, पूरे पल्सर 125, 160, 150, 180, 220, 250 सब का। जुलाई की बात करते हो तो 87,958 यूनिट बिकी थी। लगभग आपका 2,727 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पल्सर सीरीज का। अभी यहाँ पे पल्सर N160 के बारे में जान लेते हैं। तो 1,46,198 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है अपने यहाँ। 15.68 bhp का पावर मिलता है, 14.65 Nm का टॉर्क मिलता है, 45 kmph का माइलेज मिल जाता है, बाकी 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, इसके अलावा 120 kmph का अपने को टॉप स्पीड मिल जाता है पल्सर N160 में। ये गाड़ी भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स कर रही है भाई मार्केट में, बहुत ही दबा के बिक रही है। सेकंड नंबर पे है भाई साइन सीरीज। अगस्त के महीने में इसकी 1,48,712 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। जुलाई की बात करती हो तो 1,03,072 यूनिट बिकी थी। लगभग 45,640 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। क्या बात है यार, होंडा वालों को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस महीने। यहाँ पे अपन साइन 125 के बारे में जान लेते हैं। तो 93,015 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। 10.59 bhp का पावर मिलता है, 11 Nm का टॉर्क मिलता है, 55 kmph का माइलेज मिल जाता है, 113 kg का कर्वड मिल जाता है, 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 102 kmph का अपने को टॉप स्पीड मिल जाता है। मतलब भाई देखो, आज के रेट में 125 सेगमेंट में SP और साइनी दबा के बिक रही है। रेडर वगैरह भी बिक रही है, लेकिन आने वाले टाइम में रेडर बीट कर सकती है SP वगैरह को, क्योंकि हर महीने रेडर 5,000-4,000 का इम्प्रूवमेंट कर रही है। मजाक थोड़ी चल रहा है यार। फर्स्ट नंबर पे भाई हमेशा की तरह स्प्लेंडर सीरीज। अभी इसके अगस्त के महीने में 2,89,930 यूनिट बिके पूरे भारत भर में। जुलाई की बात करते हो तो 2,28,847 यूनिट बिकी थी। 61,083 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अभी सुपर स्प्लेंडर के बारे में आज जान लेते हैं। तो 99,638 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। 10.72 bhp का पावर, 10.6 Nm का टॉर्क, 55 kmph का माइलेज, बाकी 123 kg का कर्वेट, 3 कलर ऑप्शन, 90 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। अब बहुत भाई सोचेंगे कि स्प्लेंडर सीरीज में कौन कौन सी गाड़ी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ भाई, स्प्लेंडर सीरीज में दो ही गाड़ी अब आज के डेट में बिक रही है, सुपर स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्लस। पहले आई स्मार्ट आया करती थी, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अगर आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल का पॉजिटिव और नेगेटिव वाला वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जरूर देख लेना। यहाँ पे हम सभी ने भाई 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स के बारे में जान लिया अगस्त महीने की, और हीरो ने तो गजब एकदम तहलका मचा रखा है भाई। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद।